प्रणाम एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू सीबीएसई इंग्लिश क्लास 10th यूनिट 9 मैडम राइड्स द बस पेज नंबर 121 पार्ट 2 ऑफ दिस स्टोरी। लेट्स स्टार्ट। सिटिंग डाउन शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन। अब नीचे बैठकर उसने देखा कि कौन बोल रहा है। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कॉन्सर्न्ड फॉर हर बट शी वॉज एनॉयड बाय His attention means ये एक वृद्ध व्यक्ति था जिन्होंने उसके प्रति ईमानदारी से चिंतित होकर कहा था, लेकिन वह उसके ध्यान देने से चिढ़ गई थी। There's nobody here who has a child, she said haughtily. Means उसने हठपूर्वक कहा कि यहाँ कोई बच्चा नहीं है। I have paid my 30 paise like everyone else, और मैंने भी दूसरे लोगों के जैसे ही अपने लिए 30 paise दिए हैं। द कंडक्टर चिम्ड इन, यानी अब कंडक्टर जो था उसने स्वर संगति में कहा, ओ सर बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम, अरे सर ये एक बहुत वयस्क मैडम है। डू यू लाइक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ऑन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, यानी क्या आप सोचते हैं कि एक लड़की अपना किराया स्वयं दे के शहर की यात्रा अकेली कर सकती है। वली शॉर्ट एंड angry glance at the conductor and said, अब जो वली थी उसने क्रोध भरी नज़र से कंडक्टर को देखा और बोली, I am not a madam, means मैं एक मैडम नहीं हूँ, please remember that, आप याद रखिए, and you have not yet given me my ticket, और आपने अभी तक मुझे मेरा टिकट नहीं दिया है। I will remember, the conductor said, अब कंडक्टर बोला कि हाँ मैं याद रखूँगा। मिमिकिंग हर टोन, और उसी के टोन में वह बात करने लगा, मिमिकिंग यानी उसी की कॉपी करने लगा। एवरीवन लाफ्ड, हर कोई हंसा, एंड ग्रेजुअली वल्ली टू जॉइंड इन द लाफ्टर, और वल्ली भी हंसी में शामिल हो गई। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, अब कंडक्टर ने एक टिकट को पंच किया और उसके हाथ में थमा दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, यानी आप बैठ जाओ ठीक से और आराम से रहो। Why should you stand when you have paid for a seat? Means आप खड़ी क्यों हो जब आपने एक सीट का किराया दिया है? Because I want to, she answered, standing up again. क्योंकि मैं ऐसा चाहती हूँ, और फिर से खड़े होकर उसने कहा। But if you stand on the seat, यानी यदि आप, लेकिन यदि आप सीट से उठी खड़ी रहेंगी, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hit a bump. मीन्स तो जब बस तीखा मोड़ लेगी या किसी से टक्कर होगी तो आप गिर सकती हो और आपको चोट लग सकती है। दैट्स वाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसीलिए बेटा मैं आपको कहता हूँ कि आप बैठ जाओ। आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली, मीन्स अब वो चिड़ के बोली कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैंने आपसे कहा है आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई, मीन्स वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ कि आप 8 साल की हो। द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गोट ऑन, अब बस रुक गई और कुछ नए यात्री चढ़े। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, और कंडक्टर थोड़ी सी देर के लिए व्यस्त हो गया। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, वल्ली फाइनली सेट डाउन, अब वल्ली अपने सोचा कि यदि मैं नहीं बैठी तो मेरी सीट छिन जाएगी, इसलिए वह बैठ गई। एंड एल्डरली वूमेन केम एंड सेट बिसाइड हर, एक बूढ़ी महिला आई और उसके पास बैठ गई। आर यू ऑल अलोन डियर, मीन्स उन्होंने पूछा कि बेटा क्या आप अकेली जा रही हो। शी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन, और जब फिर से चालू हुई तो उन्होंने वल्ली से पूछा। वल्ली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लोब्स एंड सच अगली इयररिंग्स इन देम, मीन्स अब वली ने उस औरत को पूरी तरह से अनाकर्षक पाया। उसके कान के नीचे के भाग में इतने बड़े बड़े छेद देखे और उसमें बहुत बद्दे बद्दे इयररिंग्स देखे। एंड शी कुड स्मेल द बिटल नट द वुमेन वाज च्यूइंग, और उसके बाद में उसे उस महिला के पान चबाने के कारण उसे बदबू उसने महसूस करी। एंड सी द बिटल जूस दैट वाज threatening to spill over her lips at any moment, means और उसने उस महिला के होठों से टपकते हुए रस जो कि किसी भी क्षण किसी के ऊपर उड़ने के खतरे को देखा।
उफ, she could be sociable with such a person, यानी ऐसी औरत के साथ कौन सामाजिकता निभा सकता है. Yes, I am traveling alone, she answered curtly. और उसने रुखेपन से जवाब दिया कि हाँ मैं अकेली यात्रा कर रही हूँ. एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और मेरे पास एक टिकट भी है. यस शी इज ऑन हर वे टू टाउन, सेड द कंडक्टर. और कंडक्टर ने कहा कि हाँ वह अपने शहर जाने के लिए रास्ते में है. एंड विथ अ 30 पैसे टिकट, यानी और उसने 30 पैसे का टिकट लिया है. ओ वाई डोंट यू माइंड यूर ऑन बिजनेस, सेड वली. अब वली ने कहा कि अरे तुम अपने काम से काम रखो. बट शी लव्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लव्ड टू. लेकिन ये कहते हुए वो हंस दिया और कंडक्टर भी हंस दिया. बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विथ हर ड्राइवर, मीन्स किंतु वो जो ओल्ड महिला थी उसने अपनी बकवास को चालू रखा. ड्रिवल मीन्स सिली नॉनसेंस, यानी अपनी बकवास बातों को चालू रखा. इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन, यानी क्या इस तरह एक युवा को अकेले यात्रा करना सही है. डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि तुम शहर में कहाँ जा रही हो. व्हाट्स द स्ट्रीट, यानी कौन सी सड़क पे आपको जाना है. व्हाट्स द हाउस नंबर, घर का नंबर क्या है आपको पता है क्या. यू नीडंट बॉदर अबाउट मी, मीन्स आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वली सेड. अब वली ने कहा कि आप मेरी चिंता मत करो, मैं खुद की केयर, यानी मैं अपनी फिक्र खुद कर सकती हूँ. टर्निंग हर फेस टॉवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, और वली ने अपना चेहरा खिड़की की तरफ किया और वो बाहर की ओर देखने लगी. ओके, वी विल डिस्कस दिस चैप्टर इन माई नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.